आज के वीडियो सन 1979 की टॉप हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज के बारे में जानेंगे। तो व्यूवर्स, 20वें नंबर पर मूवी रही अमरदीप। इसको आर कृष्णमूर्ति ने डायरेक्ट किया था। इसमें राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, शबाना आजमी, देवन वर्मा, बिंदु और मिथुन चक्रवर्ती, अशोक कुमार ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी को अब एवरेज करार दिया गया। 19वें नंबर पर मूवी रही हम तेरे आशिक हैं। इसको प्रेम सागर ने डायरेक्ट किया था। इसमें जितेंद्र, हेमा मालिनी, सुजीत कुमार, कैस्टो मुखर्जी, अमजद खान, ओम शुरू पूरी लीड कास्ट में थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। 18वें नंबर पर मूवी रही अहिंसा। इसको चांद श्रीवास्तव ने डायरेक्ट किया था। इसमें सुनील दत्त, रेखा, निरूपा राय, प्रेमनाथ और रंजीत लीड कास्ट में देखने को मिले। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस ब्लॉक रेज करार दिया गया। 17वें नंबर पर मूवी रही दादा। इसको जुगल किशोर ने डायरेक्ट किया था। इसमें विनोद मेहरा, बिंदिया गोस्वामी, जगदीप, अमजद खान और शशि पुरी लीड कास्ट में थे। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। 16वें नंबर पर मूवी रही गौतम गोविंदा। इसको सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। इसमें शशि कपूर, मौसमी चटर्जी, अरुणा ईरानी, निरूपा राय, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेमनाथ थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। 15वें नंबर पर मूवी रही मुकाबला। इसको राजकुमार कोहली ने डायरेक्ट किया था। इसमें सुनील दत्त, रीना राय, रेखा, बिंदिया गोस्वामी, शत्रुघ्न सिन्हा, राजेश खन्ना, विनोद मेहरा थे। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। 14वें नंबर पर मूवी रही दुनिया मेरी जेब में। इसको टीनू आनंद ने डायरेक्ट किया था। इसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, नादिरा, राज मेहरा, आगा और रंजीत थे। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी को ब्लॉवरेज करार दिया गया। 13वें नंबर पर मूवी रही लहू के दो रंग। इसको महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। इसमें विनोद खन्ना, शबाना आजमी, इंद्राणी मुखर्जी, हेलन, डैनी डेंजम्पा और रंजीत लीड कास्ट में थे। इस मूवी का ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। ये एवरेज साबित हुई। व्यूवर्स, 12वें नंबर पर मूवी रही दिल का हीरा। इसको दुलाल गुहा ने डायरेक्ट किया था। इसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, नंदिता बोस, सचिन पिलगांवकर, आगा और अभि भट्टाचार्य लीड कास्ट में थे। ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। 11वें नंबर पर मूवी रही खानदान। इसको अनिल गांगोनी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें जितेंद्र, बिंदिया गोस्वामी, सुलक्षणा पंडित, राकेश रोशन, निरूपा राय, बिंदु और सुजीत कुमार लीड कास्ट में थे। ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। 10वें नंबर पर मूवी रही सुरक्षा। इसको रविकांत नागचे ने डायरेक्ट किया था। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता कौर, अरुणा ईरानी, जगदीप, सुरेश ओबराय और जीवन लीड कास्ट में देखने को मिले। ये एक एक्शन एडवेंचर क्राइम फिल्म थी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। 9वें नंबर पर मूवी रही द ग्रेट गैम्बलर। इसको शक्ति सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, जीना तमान, नीतू सिंह, सुजीत कुमार, प्रेम चोपड़ा, मदन प्रिय, ओम शिवपुरी थे। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। 8वें नंबर पर मूवी रही नूरी। इसको मनमोहन कृष्णा ने डायरेक्ट किया था। इसमें शेख फारूक, पूनम ढिल्लो, पद्मा खन्ना, भरत कपूर, मदन पुरी और इफ्तिखार लीड कास्ट में थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी का व्यूवर बजट था 65 लाख रुपए। भारत में कमाई की 2 करोड़ 50 लाख की और दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड़ की कमाई की। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी को सुपरहिट करार दिया गया। 7वें नंबर पर मूवी रही कर्तव्य। इसको मोहन सहगल ने डायरेक्ट किया था। इसमें धर्मेंद्र, रेखा, निरूपा राय, विनोद मेहरा, उत्पल दत्त, अरुणा ईरानी और रंजीत लीड कास्ट में देखने को मिले। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। 6वें नंबर पर मूवी रही काला पत्थर। इसको यश चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राखी गुलजार, नीतू सिंह, प्रवीण बॉबी, शत्रुघ्न सिन्हा, संजीव कुमार, प्रेम चोपड़ा लीड कास्ट में थे। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। 5वें नंबर पर मूवी रही गोलमाल। इसको ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमोल पालकर, बिंदिया गोस्वामी, उत्पल दत्त और देवर वर्मा लीड कास्ट में थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी का बजट 1 करोड़ था। भारत में 3 करोड़ 15 लाख की कमाई की और दुनिया में 7 करोड़ 25 लाख की बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 4वें नंबर पर मूवी रही मिस्टर नटवरलाल। इसको राकेश कुमार ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, रेखा, इंद्राणी मुखर्जी, अजीत कादर खान, अमजद खान थे। ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। व्यूवर्स, 3वें नंबर पर 1979 की मूवी रही सरगम। इसको के विश्वनाथ ने डायरेक्ट किया था। इसमें ऋषि कपूर, जया प्रदा, शशि कला, अरुणा ईरानी, असरानी, शक्ति कपूर, विजय अरोड़ा थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी का बजट 1 करोड़ था। भारत में कमाई की 4 करोड़ की और दुनिया में कमाई की 10 करोड़ की बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी को सुपरहिट करार दिया गया। 2वें नंबर पर मूवी रही जॉनी दुश्मन। इसको राजकुमार कोहली ने डायरेक्ट किया था। इसमें संजीव कुमार, सुनील दत्त, जितेंद्र, रीना राय, रेखा, बिंदिया गोस्वामी, सारिका, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा थे। ये एक एक्शन हरर मिस्ट्री फिल्म थी। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 30 लाख था। भारत में 4 करोड़ 50 लाख
लाख की और दुनिया में 9 करोड़ की कमाई की बॉक्स ऑफिस इस मूवी को सुपरहिट करार दिया गया। व्यूवर्स, पहले नंबर पर टॉप वन पर मूवी रही सुहाग। इसको मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, रेखा, परवीन वाणी, रूपा राय, अमजद खान, कादर खान, जीवन रंजीत थे। ये एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी का बजट 1,50,00,000 था। भारत में 5 करोड़ की और दुनिया में 10 करोड़ की कमाई की। बॉक्स ऑफिस इस मूवी को ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। तो व्यूवर्स, सन 1979 टॉप 20 मूवीज में से कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।